आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज, मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। लॉकडाउन की स्थिति में समाज के कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक वो गरीबों को खाना खिलाएंगे। आइए आज हम आपको ऐसे ही एक व्यक्ति से मिलवाते हैं जिन्होंने गरीब लोगों को खाना खिलाने का संकल्प लिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निवासी रामनगर बालागंज के पूर्व मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार सिंह की। इन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत अपने आवास से ही की है और साथ ही सुनील जायसवाल, पप्पू मिश्रा और कई लोग इस कार्यक्रम में शामिल हैं। वहीं हमारे संवाददाता राजन सिंह ने इनसे बातचीत भी की, देखिए खास रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ के कैंपल रोड पे हम मौजूद हैं जहाँ पे पूर्व मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह का आवास है। यहाँ पे हम बता दें कि सत्येंद्र सिंह भी मौजूद हैं और किस तरह से इस लॉकडाउन में लोगों के लिए कितना कैसे व्यवस्था किया जा रहा है, जो गरीब लोग हैं उन तक खाना कैसे पहुँचाया जाएगा, उसके लिए आप देखिए किस तरह से एक व्यवस्था किया जा रहा है और व्यवस्था भी इस तरीके से हो रहा है बिल्कुल नियम के पालन के अनुसार। यहाँ पर देखिए सोशल डिस्टेंसिंग है, एक आदमी कितनी दूरी बना के हर चीज़ों को बना रहा है, हर चीज़ एक स्वच्छता से बनाया जा रहा है। बिल्कुल जिस तरह से एक नियम का पालन होना चाहिए उस तरह से ये नियम का पूरा पालन करते हुए यहाँ पे खाना बन रहा है उन गरीब लोगों के लिए जो इन दिनों आजकल जो है भूखे ना रहे, उनके घर तक खाना पहुँचाया जा रहा है। सत्येंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे कितने लोगों का जो है प्रतिदिन जो है यहाँ से खाना बन के जा रहा है। सत्येंद्र जी कितने लोगों का यहाँ से खाना जा रहा है? यहाँ से 4 पूड़ी के जो है 1000 पैकेट जो है बनाने का लक्ष्य है। 1.25 डेढ़ कुंटल आटे में जितनी पूड़ी तैयार हो जाती है। हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे भूहर है, लाला बाग है, फरीदीपुर है, मधवापुर है, बेगरिया है, बरावन कला है, पीर नगर, बरावन खुर्द, इन सब गांवों में हमारे कार्यकर्ता हैं या जो ऐसे भी लोग आ जाते हैं कि जैसे बताते हैं कि 20 लोग वहां पर भूखे हैं तो उनको भी जाता है। यहां किसी निस्वार्थ जो है दिया जा रहा है कि कोई आदमी जो है जो सरकार का है कोई भी आदमी भूखा ना रहे। हम लोग पूरा सबसे बात करके भी कोशिश जानने की कोशिश करते हैं तो कच्चा राशन भी हमारी व्यवस्था है, कुछ लोग लगे हैं उसमें कच्चा राशन भी बांटते हैं। यहाँ से अपने द्वारा जो व्यवस्था की गई है उसमें 1000 पैकेट जो है डेली 1100 पैकेट निकल रहा है यहाँ से। बाकी सरकार के द्वारा जो नगर निगम से हम लोगों की जानकारी में है वो भी करीब जो है 700-800 पैकेट जो है हम लोगों के द्वारा वितरित हो रहा है, जिससे कि गाँव जो हमारे क्षेत्र में करीब 18-20 गांव हैं वहां पर कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हम लोगों ने 2-4 जैसे किसी गरीब को ज़रूरत पड़ेगा आपसे वो मतलब यहाँ पे आना चाहेगा तो कैसे आएगा, वो उसके लिए क्या पता बताया जाए? बिल्कुल, हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं से भी या सोशल मीडिया पे भी डाल रखा है कि किसी भी को आवश्यकता है तो वो हम लोगों के उसमें कांटेक्ट नंबर पड़े हैं कई लोगों के और उनसे कहा गया है कि इसमें एक बार दर्शकों को भी अपना कांटेक्ट नंबर बता दीजिए जो गरीब लोग हैं हाँ, वो आ सके। वो हमारा नंबर है 9956-21-32-99, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमको 10 बजे के आसपास बता देंगे कि कितने पैकेट की आवश्यकता है, उस हिसाब से आपकी व्यवस्था यहाँ पर पैक रहेगी और आप हमसे आकर के ले सकते हैं। जी जैसे कि देखिए कि किस तरह से व्यवस्था है, यहाँ पे आपको दिखा दें कि किस तरह से यहाँ पे तैयारी किया जा रहा है। ये देखिए आप यहाँ पे बकायदा जो है यहाँ से पैकिंग होता है और उन लोगों को पहुँचाया जाता है जो जो ज़रूरतमंद है जिनको इसकी ज़रूरत है इन दिनों के। और आपको बता दें कि हमारे साथ सुनील भैया भी मौजूद हैं और हम आपको इनके बारे में बता दें कि ये सेल्टेक्स के अच्छे वकील माने जाते हैं शहर के, लेकिन ये बता दें कि ये भी समाज का काफ़ी दिनों से बहुत पहले से ही सेवा करते आ रहे हैं, ऐसे कामों में इनको भी बहुत अच्छा लगेगा। आप बताइए भैया कुछ समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे ऐसे में? नहीं, हम लोगों की जिम्मेदारी है कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन 21 दिन का किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक संकल्प है कि कोई भी गरीब जो है भूखा ना रहे, इसलिए हमारा एक संगठन है सर्व समाज, भारतीय सर्व समाज महासभा, उसका भी थोड़ा बहुत योगदान ले करके हम लोग ये भी संकल्प साथ काम करा रहे हैं। बाकी हमारे जो पूर्व मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह जी, इनका योगदान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने जो एक संकल्प लिया है गरीबों के लिए, एक मेन सेंटर बनाया गया है जहाँ से यहाँ से खाने का वितरण हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी है और हम यही हम लोग के संकल्प के साथ कि कोई गरीब भूखा ना रहे। जिस तरीके का हम लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं उस लॉकडाउन के अंतर्गत हर गरीबों के घर एक खाना पहुँचे और वो हमेशा जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो है जो नियमानुसार कार्य करें। जी और हमारे साथ हम बता दें कि जैसे बताया भैया ने उसके अध्यक्ष महोदय भी मौजूद हैं पप्पू भैया, आप क्या कहना चाहेंगे पब्लिक से?
हम लोग पूरी तरह से एक दूसरे के सहयोग से गरीबों को खाना पहुंचा रहे हैं और ये चाहते हैं कि कोई भी भूखा न रहे, और हम लोग लॉकडाउन में भी बाहर निकल के खाना ले जाके गरीबों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत न होने पाए, और सभी को खाना पहुँचा। सतन दिया के सहयोग से काफ़ी हम लोगों को सहयोग मिल रहा है, हम मोहल्ले में गली में जहाँ मालूम होता है कोई भूखा है वहाँ तक खाना पहुँचाने का हम लोग कर रहे हैं। जी ये देखिए अपने आप में बहुत बड़ा ये पुण्य का काम हो रहा है जो सत्येंद्र भैया इस कारभार को संभाल रहे हैं। और हम आपको बता दें कि दर्शकों को वो नंबर भी बताए हैं जिनको ज़रूरत पड़े उसको कौन, यहाँ पे और भी एक आदमी हैं जो कि अध्यक्ष हैं, यहाँ पे अध्यक्ष जी से बात करेंगे। अध्यक्ष जी किस तरह का सेवा यहाँ पे दिया जा रहा है? ये हम और पूर्व मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह जी और माननीय सांसद जी की प्रेरणा से हम लोग यहाँ पे भोजन का वितरण करा रहे हैं और बनवा के कच्चा भी जाता है, पक्का भी जाता है, गाँव में जाता है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको भी भेजा जाता है, यहाँ से ले जाते हैं, अदर्स लोग भी ले जाते हैं यहाँ से, और सब मतलब जैसे लिस्ट बनता है उसके अकॉर्डिंग जो है सब यहाँ से तैयार हो जाता है। हाँ, लिस्ट से भी जाता है और अदर लिस्ट भी जाता है। अच्छा, जो नए मतलब लोग आ जाते हैं, हाँ नए लोग आ जाते हैं, जैसे पता चल गया सोशल मीडिया द्वारा कि वहाँ पर खाना बनना है सम्मान सत्येंद्र जी की, तो यहाँ लोग आ जाते हैं तो यहाँ भी दिया जाता है 20-25 पैकेट जो भी ले जाते हैं गरीबों को खिलाने के लिए ले जाते हैं, खिलाते हैं हमको। अच्छा, आपका नाम? महेंद्र राजपूत, मंडल अध्यक्ष। अच्छा, ये महेंद्र जी थे जो कि बराबर जो है इस कार्य में लगे हुए हैं लोग, और आप देख सकते हैं कि कितने स्वच्छता से यहाँ पे खाना बन रहा है गरीबों के लिए और कितने अच्छे से पैकिंग होता है, और पर डे क्या एक आंकड़ा लेके 1000 कम से कम पैकेट बनता है गरीबों को, उन लोगों को पहुँचाया जाता है जो इसमें इस लॉकडाउन में उनके लिए खाने की स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है, उनको लेके यहाँ पे वो लिस्ट बना हुआ है और बराबर यहाँ से हर दिन जाता है। और जैसे कि दर्शकों को ये भी बताया गया है कि आपके नज़र में भी कोई गरीब व्यक्ति दिखता है और वो चाहता है कि हमें कहीं से भोजन प्राप्ति हो, तो उसके लिए नंबर दिया गया है, नंबर जैसे अभी सत्येंद्र भैया ने बताया अपना नंबर, उस नंबर पे कांटेक्ट करके और यहाँ पे आ सकते हैं और जितने आपको खाने की ज़रूरत है वो यहाँ से ले जा सकते हैं। लखनऊ से अलाइव 24 के लिए राजन सिंह। ये थी लखनऊ से हमारे संवाददाता राजन सिंह की रिपोर्ट। ऐसी खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।